दोस्तों, इस वक्त की काफी अच्छी और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को लेकर। जी हां, बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने जारी की है गाइडलाइन। कहा है यात्रियों से पैसा लेकर हमारे पास जमा कराए राज्य सरकार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि देश भर में लॉकडाउन लागू है। अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र, जी हां, प्रवासी मजदूर, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सभी अपने गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के संचालन पर भारतीय रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश भी दिया है। रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइंस में यात्रियों से टिकट की कीमत वसूल करने की दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, बात कर ली जाए तो 19 सूत्रीय दिशा निर्देश के 11वें पॉइंट में रेलवे ने कहा है कि रेलवे द्वारा गंतव्य के लिए प्रिंट किए गए टिकट राज्य द्वारा दी गई संख्या के आधार पर किए गए हैं, जो कि ट्रेन की क्षमता 1200 है। यानी कि ये राज्य प्रशासन का ये काम है कि यात्रियों को रेलवे का टिकट सौंपा जाए और उनसे कुल किराया वसूल कर रेलवे में जमा कराया जाए। यानी कि रेलवे पर आप जाकर या स्टेशन पर जाकर आप खुद टिकट नहीं कटा सकते, बल्कि आपको राज्य का प्रशासन आकर आपको रेलवे का टिकट सौंपेगा और आपसे किराया लेकर, जी हाँ, और रेलवे को वो सौंपा जाए। आखिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार किन लोगों को जहाँ रेलवे की तरफ से जाने के लिए टिकटें मिल रही हैं। जी हाँ, बता दें कि राज्य सरकार ने अधिकृत किया है जिन लोगों को। और बात कर ली जाए, रेलवे ने कहा है कि रेलवे सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लाए गए यात्रियों को स्वीकार कर रहा है, किसी अन्य समूह या व्यक्ति को स्टेशन नहीं आना है। कुछ ही ट्रेन का संचालन राज्य सरकार के अनुरोध पर हो रहा है और अन्य सभी गाड़ियों को और उपनगरीय रेल सेवाएं को बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं सो स्टेशन पर आने लगे थे और ऐसे में पश्चिमी रेलवे ने एक ट्वीट करके बात साफ साफ कह दी है कि सिर्फ वही लोग आए जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें उनकी राज्य सरकार से अनुमति मिली है। जिन्हें उनकी राज्य सरकार से अनुमति मिली है। और पश्चिमी रेलवे की ओर से किए गए ट्वीट में ये भी बात कहा गया है, कृपया ध्यान दें, विशेष ट्रेन राज्य सरकारों द्वारा रजिस्टर्ड तथा नामित व्यक्तियों के लिए ही प्लान की जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से रेलवे स्टेशनों पर नहीं आए, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रेल टिकट नहीं दिए जाएंगे और ना ही व्यक्तिगत अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कृपया आप अगर राज्य सरकार के द्वारा आपने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है और आपका नाम अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कृपया रेलवे स्टेशनों पर ना जाएं। वैसे दोस्तों, ये बात साफ साफ स्पष्ट कर दी गई है। वैसे दोस्तों, ANI का रिपोर्ट भी सामने आ चुका है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो है सो प्रवासी मजदूर, छात्रों और पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को लेकर किया जा रहा है। जी हाँ, यही लोग जो हैं सो इनको आने जाने की अनुमति दी जा रही है। और वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।